सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे डाटा वैलिडेशन के बारे में, जो कि आपको एक्सेल में डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स ग्रुप में मिलता है। डाटा वैलिडेशन होता है क्या? आप काम करने से पहले कंडीशन लगा सकते हैं कि आपका वर्क जो है वो किस कंडीशन के अनुसार होगा। जैसे कि मान के चलिए मैं कंडीशन लगा दूंगा एज फील्ड में कि वैसा ही रिकॉर्ड इस टेबल में एंट्री हो जिसका कि एज 18 से लेके 30 तक है, तो वैसा ही रिकॉर्ड एंट्री होगा जैसा मैंने कंडीशन लगाया है, उसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का एंट्री नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां आप रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे किए गए लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे और एक्सेल में मैंने यहाँ पर हेडिंग देके रखा हुआ है नेम, रोल, कोर्स, एज, एड्रेस और फी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं डाटा टैब के अंदर आपको डाटा टूल्स में मिलता है डाटा वैलिडेशन। ये हम लोग का है डाटा वैलिडेशन। इसमें अभी हम लोग सीखेंगे कि डाटा वैलिडेशन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम वाले में लगाते हैं। नेम वाले में हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं कि यहाँ पर वैसा ही नाम एंट्री होना चाहिए जिसका नाम मैक्सिमम 10 लेटर का हो, यानी 10 लेटर से ज़्यादा बड़ा नाम अगर कोई लिखना चाहे इस फील्ड में तो वो एंट्री नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग को कंडीशन लगाना होगा। अभी जैसे मैं यहाँ पर नाम टाइप करता हूँ कोई भी, ये आप देख सकते हैं 10 लेटर से ज़्यादा बड़ा नाम है, इजिली यहाँ पर एड हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 10 लेटर से बड़ा नाम हमको एंट्री करना ही नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर आपको डाटा वैलिडेशन लगाना होगा और डाटा वैलिडेशन आपको डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स ग्रुप में मिलता है डाटा वैलिडेशन। क्लिक करेंगे इसको, अब डाटा वैलिडेशन हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, यानी काम करने से पहले कंडीशन लगा सकते हैं आप कि आपका वर्क किस कंडीशन के अंडर होगा। सबसे पहला इसमें आपका अलाउ, यानी आप इस फील्ड में क्या अलाउ करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो भी चाहिए आपको, एनी वैल्यू है, होल नंबर है, इसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो इसमें अप्लाई करने से पहले आपको फील्ड सेलेक्ट करना होगा। फील्ड हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी किस रेंज तक में आपको चाहिए, जितना भी रेंज चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं, 100, 250 जो भी चाहिए आपको। अब डाटा वैलिडेशन में आए और यहाँ पर हम लोग अलाउ करते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्स्ट लेंथ अप्लाई हो, यानी टेक्स्ट कितना लंबा होगा, यानी मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 3 लेटर तक का नाम लिख सके और मैक्सिमम 10 लेटर तक का। यहाँ पर हम लोग मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 दे दिए। अब अगला हम लोग का इसमें, ये पहला था सेटिंग्स, दूसरा है इनपुट मैसेज, यानी इस फील्ड में रहें तो क्या मैसेज आए। आप यहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये मैसेज और एरर अलर्ट जरूरी नहीं है, आप चाहिए आपको तो आप टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। इनपुट मैसेज जैसे कि मैंने यहां पर टाइप कर दिया वेलकम टू नेम। एरर अलर्ट यानी गलती करे तो क्या मैसेज आए, वो भी आप अपने अनुसार यहां पर टाइप कर सकते हैं। यू आर रॉन्ग प्लीज टाइप राइट वैल्यू, जरूरी नहीं है ये दोनों, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट, अगर आपको चाहिए तो टाइप करेंगे, नहीं तो आपका काम सेटिंग से भी चल जाएगा। अब इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब यहाँ नाम टाइप करते, देख सकते हैं आप ये आपका मैसेज आ रहा है हाय वेलकम टू नेम। नेम यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं जैसे राम, ये आपका 3 लेटर का है, हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्पेस 10 हो गया, ये देख सकते हैं ज़्यादा है, ये आपका एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। और जो मैंने एरर अलर्ट में मैसेज टाइप किया था वही मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, यू आर रॉन्ग
प्लीज टाइप राइट वैल्यू। रिट्राई करेंगे, यानी यहाँ पर 10 लेटर तक का ही नाम देना होगा। ये देख सकते हैं 9 लेटर का है, इजिली ले लिया। 6 हो गया, 7, 8, 9, पॉइंट देते हैं 10। ये 10 लेटर तक का नाम इजिली ले लेगा, यानी आसानी से ले लेगा। तो जैसा कंडीशन लगाएंगे उसके अनुसार ये काम करेगा। उसी तरह हम लोग रोल में लगाते हैं, फिर रोल वाले फील्ड को सेलेक्ट कर लिए। आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही करेंगे, या उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप डाटा एंट्री करें आगे तो फिर से आपको वैलिडेशन लगाना नहीं पड़े। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पर डाटा टूल्स के अंदर, डाटा वैलिडेशन में। उसके बाद हम लोग यहाँ से वैलिडेशन लगाएंगे। अलाउ इसमें हम लोग करना चाहते हैं होल नंबर। होल नंबर से और हम लोग को एक बेनिफिट मिल जाएगा क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही टाइप होगा। गलती से अगर आप एक लेटर टाइप कर देते तो वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर बिटवीन है, आप जो चाहे कंडीशन लगा सकते हैं। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी जब मैंने आपको कस्टम फिल्टर बताया था उस टाइम ये बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब के बारे में बताया था। आप यहाँ से जो भी चाहिए यूज कर सकते हैं। मैं अभी बिटवीन ही रहने देता हूँ। रोल नंबर जैसे हमको चाहिए 20 से लेके, यानी रोल नंबर मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए। ये हमको रोल नंबर चाहिए, यानी 20 से 50 तक। इनपुट मैसेज इरर अलर्ट चाहिए तो टाइप कर सकते, नहीं छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिक भी देगा। ओके कर दिए। अब रोल नंबर हम लोग यहाँ पर टाइप करते 18, ये नहीं लेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मैसेज भी दिया है। रिट्राई किए, फिर से हम लोग यहाँ पर 20 टाइप किए, ले लिया 21, 25, 30, 35, ये आपका मैक्सिमम 50 तक लेगा। 50 से ज़्यादा आप टाइप कीजिएगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 51 ये नहीं लेगा। फिर से आपको ये इरर अलर्ट का मैसेज दे देगा। रिट्राई करते हैं इसको, आपको यहाँ चेंज करना ही होगा। यानी जो कंडीशन आप दिए हैं उसी कंडीशन तक रोल नंबर लेगा। और गलती से अगर आपको एक टेक्स्ट टाइप कर देते, जैसे 28G मैंने टाइप कर दिया इंटर, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें मैंने अप्लाई किया है होल नंबर, यानी सिर्फ और सिर्फ नंबर का ही एंट्री होगा, टेक्स्ट का एंट्री नहीं होगा। उसी तरह हम लोग कोर्स में भी लगा सकते हैं कंडीशन। सेलेक्ट किए, अब यहाँ पर आपको मिलता है डाटा वैलिडेशन। और डाटा वैलिडेशन में हम लोग कोर्स में लगाएंगे क्या, लिस्ट बनाएंगे इसके थ्रू। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट है, तो इसके लिए आपको अपने सीट में कहीं पर भी कोर्स का लिस्ट टाइप करके रखना होगा, तभी लिस्ट आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। हम लोग साइड में यहाँ पर लिस्ट टाइप कर लेते हैं पहले, जैसे DCA, DTP। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट टाइप कर लिया है। अब ये लिस्ट को हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ कोर्स फील्ड में, तो कोर्स फील्ड को सेलेक्ट कर लिए। और फिर से हम लोग यहाँ डाटा वैलिडेशन में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अलाउ करना है लिस्ट, लिस्ट अलाउ कर दिए। अब लिस्ट रेंज हम लोग को चूज करना होगा यहाँ, यानी सोर्स चूज करना होगा इंपोर्ट एरो से। आप यहाँ टाइप भी कर सकते हैं लोकेशन, या तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक दाबे हैं, खींच लिए। उसके बाद फिर से इंपोर्ट एरो को क्लिक किए, अब ओके को क्लिक कर देंगे। ये लिस्ट सोर्स यानी रेंज एक्सेप्ट कर लिया है, ओके कर दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन एरो मिल जाता है। ड्रॉप डाउन एरो को जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट दिखेगा, यानी कोर्स आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप इजिली चूज करके उसका यूज कर सकते हैं। यह आपका हो गया लिस्ट। अब अगला हम लोग का एज। एज में हम लोग लगाते हैं वैसा ही एज एक्सेप्ट करें इसमें, जिसका एज 18 और 18 से ऊपर हो। तो एज वाले फील्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम लोग आएंगे डाटा वैलिडेशन में। और यहाँ से आपको अलाउ करना इसमें होल नंबर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर वाला ही इंट्री हो। होल नंबर मैंने अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ बिटवीन है, इसको हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू लेके 18 कर देते हैं, यानी 18 और 18 से ऊपर वाला रिकॉर्ड का एंट्री हो। ओके कर दिए। अब एज यहाँ पर हम लोग देते हैं 17, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 18, 19, 20,
18 से आगे सब एक्सेप्ट करेगा ये। आप बिटवीन लगाते हैं तो आप 18 से 30 या 35 तक जैसा आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एज फील्ड। अब अगला हम लोग लगाते हैं एडमिशन डेट, यानी डेट वाला हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं। तो उसके लिए डेट मैंने यहाँ हेडिंग दे दिया, सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग एरिया को जिस एरिया में आप चाहते हैं वैलिडेशन लगाना। अब वैलिडेशन को फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर अलाउ करना है हम लोग को क्या, डेट, यानी डेट चाहिए हम लोग को। अब स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट और इंड डेट देने टाइम आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में डेट किस फॉर्मेट में है, यानी पहले मंथ है या पहले डेट दिख रहा है। आपके कंप्यूटर में डेट जिस फॉर्मेट में होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर, यानी जिस फॉर्मेट में आपके कंप्यूटर में डेट फिल किया हुआ है उसी फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे। तो स्टार्ट डेट यानी एडमिशन कब से स्टार्ट हुआ है वो हम लोग टाइप करते, जैसे यहाँ पर 1/6/2021 से एडमिशन स्टार्ट हुआ है और 20 तक चलेगा, यानी 20/6/2021 तक एडमिशन चलेगा। मैंने यहाँ पर डेट रेंज दे दिया, उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर टाइप करते हैं, जैसे 5/6/21 ये एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद 10/6/21 ये भी हो गया, 20/6/21 ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने मैक्सिमम 20 तारीख तक का ही डेट दिया है एडमिशन का। तो ये आप कंडीशन लगा सकते हैं इस तरह से। अगला हम लोग का फी वाला फील्ड, इसमें हम लोग डेसिमल वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी वैलिडेशन यानी क्रिटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन को क्लिक किए, अब यहाँ पर आपको अलाउ करना है डेसिमल, यानी इसमें डेसिमल वैल्यू मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 25000, उसके बाद ओके। अब जैसा कि मैं यहाँ पर फी देता हूँ 20000, ये एक्सेप्ट कर लिया, 25 जिस रेंज में आप दिए हुए हैं उसी रेंज के अंदर आपको देना है। जैसे मैं यहाँ 1500 देता हूँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर मैं 25000 से ऊपर देता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी जो आप रेंज दिए हैं उसी रेंज के अंदर आपको देना होगा। अब अगला हम लोग का टाइम फील्ड, मैं यहाँ पर पहले हेडिंग देता हूँ टाइम और रेंज हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा डाटा वैलिडेशन और अलाउ करेंगे हम लोग इसमें टाइम, यानी एडमिशन का टाइम कब से कब तक चलता है। जैसे एडमिशन 11 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर के 3 बजे तक चलता है, तो यहाँ पर 24 घंटा के फॉर्मेट में आपको टाइम देना होगा 11:00 और इंड टाइम दोपहर का 3, यानी आपका 15 हो जाएगा, 15:00, उसके बाद ओके। अब यहाँ हम लोग टाइप करते 11:00 हो गया, ये 12:30 हो गया ये, लेकिन यहाँ पर एम पीएम का पता नहीं चल रहा। अगर आप 24 घंटा के फॉर्मेट में अभी दीजिएगा तो वैसा ही रह जाएगा, जैसे 1:30 13:30 ये आप देख सकते हैं, जैसा मैंने टाइप किया वैसा ही रह गया। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, एक सेटिंग करेंगे नंबर ग्रुप से, सेलेक्ट कर लेंगे एरिया को जहाँ में आप टाइम वैसा चाहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा होम के अंदर नंबर ग्रुप में आना है और नंबर ग्रुप में आपको सेटिंग किससे रिलेटेड करना है, टाइम से रिलेटेड। तो टाइम में आएंगे और यहाँ पर एम पी एम वाला फॉर्मेट चूज करके ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टाइम एएम और पीएम के फॉर्मेट में आ रहा है। उसी तरह आप डेट में भी लगा सकते हैं, अगर डेट में आप चाहते हैं मंथ का नाम दिखे तो डेट के रेंज को सेलेक्ट कर लिए, यानी एरिया को नंबर फॉर्मेट में आए और यहाँ पर हमको सेटिंग करना है डेट से रिलेटेड और फिर जो भी आपको टाइप चाहिए यहाँ टाइप चूज करके ओके कर देंगे। ये आपका हो गया टाइम वाला और डेट वाला, यानी नंबर के थ्रू हम लोग सेटिंग कर लिए इसका। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे, जैसे 14:35 ऑटोमेटिक 2:35 पीएम हो जाएगा ये इंटर करने के बाद,
देख सकते हैं ये 2:35 PM, उसके बाद 15:00 इंटर, 3 PM ऑटोमेटिक हो गया। अगर आपको वैलिडेशन हटाना हो किसी भी फील्ड से, तो उसके लिए उस फील्ड को फिर से सेलेक्ट कर लेंगे जिस रेंज तक में आप वैलिडेशन लगाए हैं, या तो आप पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से वैलिडेशन में आना है और यहाँ सबसे नीचे मिलता है आपको क्लियर ऑल, क्लियर ऑल कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। देख सकते हैं वैलिडेशन हट चुका है। अब यहाँ पर जितना भी लंबा नाम चाहे आप टाइप कर सकते हैं इजी वे में। यह आपका वैलिडेशन हट चुका है इस फील्ड से। जैसे हमको रोल वाले फील्ड से हटाना है वैलिडेशन, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले, और सेलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन में आके यहाँ मिलता है आपको क्लियर ऑल, ओके। उसी तरह जिस फील्ड से आपको वैलिडेशन हटाना है सेलेक्ट करके क्लियर ऑल कर देंगे, वैलिडेशन उस फील्ड से आपका रिमूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा वैलिडेशन ठीक ढंग से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको डाटा वैलिडेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।